सारण जिला में नीलगाय की बढ़ती संख्या स्थानीय किसानों और राहगीरों के लिए खतरनाक होती जा रही है। खेतों में लगी फसल को नुकसान पहुंचाते हुए इन्हें हमेशा देखा जा सकता है, लेकिन बस्तियों से दूर रहने वाले इस जानवरों ने अब सड़कों पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने शुरू कर दिया है। आए दिन इनकी वजह से कई दुर्घटनाएं होती रहती है और लोगों को अपनी जान माल का नुकसान होता रहता है। गोपालगंज से पटना जा रहे प्रकाशन समूह कार्य करने वाले पटना निवासी संजीव प्रसाद सिंह हो या पश्चिमी चंपारण के नतनवा के रहने वाले अर्जुन ठाकुर हो, इन सबको वाहन से नीलगाय ने टक्कर मारी है। नीलगाय के टकराने की वजह से ये दुर्घटना के शिकार हुए हैं। लोगों को स्थानीय लोगों और पुलिस के सहयोग से पीएससी मशरक लाकर उनकी मरहम पट्टी की गई, जबकि गंभीर रूप से जख्मी एक शख्स को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल छपरा रेफर किया गया है। अभी हाल ही में दिन के भरे उजाले में एक नीलगाय को बचाने के चक्कर में स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर बुलेट से टकरा गई, जिसमें सिवान निवासी युवक की मौत हो गई थी। अगर समय रहते नीलगाय की बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो दुर्घटनाओं में वृद्धि से इनकार नहीं किया जा सकता है। गोपालगंज से मैं पटना जा रहा था अपने वर्किंग के लिए, मैं गोपालगंज आया हुआ था। रास्ते में अचानक एक जगह पर नीलगाय मेरी गाड़ी के सामने आ गया और उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं कि क्या हुआ। फिर बाद में मैंने अपने आप को, जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को हॉस्पिटल में अपने आप को पाया और ये हॉस्पिटल शायद मसरक के आसपास है। क्या करते हैं आप? मैं पब्लिकेशन में जॉब करता हूँ। कहाँ? ये दिल्ली की पब्लिकेशन है और पटना में मेरी पोस्टिंग है। पटना के रहने वाले गोपालगंज से पटना जा रहे थे, वो रास्ता में नीलगाय उनकी गाड़ी से टकरा गई। उनके कहा वो गंभीर रूप से चोट उनके चेहरे पे आया है, वो गाड़ी से बाहर फेंका गया था, शीशा से उनका चेहरे पे चोट आया है। पुलिस ने उठा कर लाया उनको। हाँ, पुलिस जो है उनको यहाँ पे लेके आए हैं। एक और दूसरा जो है अरुण ठाकुर है, अरुण ठाकुर एक दूसरे जगह कौन है? अर्जुन ठाकुर जी जो है वो भी मोटरसाइकिल से आ रहे थे मसरक की ओर, तो वो भी नीलगाय से जो है टकरा करके जख्मी हो गए। वो भी आए, उनका एक सोल्जर जो है एक क्लेविकल जो उनका फ्रैक्चर हो गया। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।